सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को शुरू होने वाले योग अमृत सप्ताह की तैयारियों को लेकर विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मंगलवार से योग अमृत सप्ताह शुरू होगा, जो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए यूथ फॉर ह्यूमैनिटी थीम बनाया गया है, जिसकी बैठक की गई है, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 25 करोड़ लोगों को एक साथ योग करने का टारगेट है। 3,50,00,000 यूपी का है और 8,00,000 गोरखपुर जिले का लक्ष्य रखा गया है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों, एनजीओ, पतंजलि सहित अन्य लोगों से वार्ता की गई है। मंगलवार से आयुष कवच ऐप पर नंबर और फोटो सभी लोगों को अपलोड करना है और योग का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, योग सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि योग करना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो कि भारत की धरोहर है। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी के उनको आप कंपलिंग ऑर्डर करेंगे कि भाई आपको ये योग कराना है, बोले सीनियर साहब ने निर्देश दिए, साथ ही योग करेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, सारे तहसीलदार जितने भी एक्सपेक्टेशन, और आप लोग अपने वीडियोस को सहयोग करेंगे। आप सबकी तो फोटो शाम को आनी चाहिए, मैं 7 दिन में सबको हेल्दी होना है, एटलीस्ट बेसिक योग आ जाना चाहिए। एडीओ पंचायत मैंने बता दिया, डीआईओ ऑफिस कौन आया, आप हैं, आप कर लीजिए। स्कूलों में कैसे कराओगे योग, ये नहीं बताओगे मुझे छुट्टी है। बताइए कि घर में बच्चे बैठे हैं, मैडम अभी मैडम आपको जो हमारी आयुष कवच ऐप है उसका लिंक शेयर कर देगी, और वो सारे प्राइवेट स्कूलों में पहुंच जाए, बच्चा घर में बैठते हो, क्लियर है। और अगर कोई स्कूल में स्पेशल अपने टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए योग कराता है, तो हम उसको अप्रिसिएशन लेटर जारी करें, स्पेशल एफर्ट्स लगा के, क्योंकि स्कूल कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल समर कैंप लगा रहे हैं, 6 बजे 6:30 बजे समर कैंप मैंने देखा स्कूलों में लगते हुए, तो जो वो बच्चे आ रहे हैं उनका तो जरूर करा रहे हो। ये दोनों में आपके लिए स्पष्ट निर्देश मिलते रहिए, ये लोग करेंगे साथ, और उनका मैं जो बोलता है आप सारे कार्य जारी कर दें आप इन जगह के, और यूनिवर्सिटी के बाहर इतने होना है, योग होना है, आयुष कवच ऐप में आपने डालना है, आरसीएम ऑफिस बना है, आप आया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने आपके, आप लोग जो है वो हम लोग भी आपको जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो बने इस चीज के लिए, ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये नोट कर लो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और आपकी अपने मैं उनसे अलग से बात करके आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टूरिज्म से कौन है, डीडी कल्चर साहब आप मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा, आप ये टूरिज्म से कौन है, ये टूरिज्म की साइट हो गई, स्पेशली वो साइट जहाँ जो रिलेटेड है आजादी के, मतलब आजादी से, मतलब जो हमारे जहाँ स्वतंत्रता सेनानी, और साथ में सर्किट हाउस के भी हम स्पेस यूज करेंगे, उसके साथ फिर आगे चंपा देवी पार्क आते हैं वहाँ भी होगा, तो बड़ा वहाँ पे सर आप है आए सर, अरे सर तो पुलिस लाइन में लेडीज से बात हुई थी, तो रोड योग स्टार्ट होना है, जो कल से योग अमृत सप्ताह शुरू हो रहा है और आज़ादी के 75वें वर्ष जो पूर्ण हो गए हैं, जो हमारा थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, उसके लिए ये बैठक ली गई है। इसके साथ साथ 21 को जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है, उसकी प्लानिंग माइक्रो प्लानिंग के लिए ली गई है। इसमें जो पूरे भारतवर्ष का 25 करोड़ का टारगेट है और योग करने का लोगों के द्वारा, और 3.5 करोड़ पे करोड़ के लोगों का यूपी का है, 8,00,000 गोरखपुर का है। इसको कैसे हमने 7 दिन में करना है, इसके लिए हमने पूरी माइक्रो प्लानिंग की है, सारे विभागों को, सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को, पतंजलि, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, इस तरह की बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे आज वार्ता की गई है। और हमने जो इसमें कल से आयुष कवच ऐप पे योग करते हुए नंबर्स और फोटो अपलोड करनी है, और इसमें इंडिविजुअल भी रहेंगे, ग्रुप भी प्रेजेंटेशन रहेगी, और डिटेल्ड में हम लोग करेंगे, और योग का जो है हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे। योग सबको करना चाहिए, क्योंकि योग हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिट है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो योग को अपने दिनचर्या में रखते हैं, और ये तो हमारा पुराना बहुत बड़ा एक हमें धरोहर मिली है, और हमें इसमें बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए।